नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए एक अहम भूमिका निभाई और जीवन भर अपने खुद के बनाए सिद्धांतों पे चलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो बस बच्चों के लिए कुछ वीडियो लेके आई हूँ, एक छोटी सी स्टोरी बोस जी की, कि ताकि उन्हें इतिहास के बारे में थोड़ा सा पता हो कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल करके आज हम लोग इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं। कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज में टॉप होने के बाद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने का दृढ़ निश्चय बना लिया। इसके बाद वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में आ जाते हैं और देश हित के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें 11 बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें काफी दबाने की कोशिश की। अंग्रेजों की मंशा को बोस जी भली भांति जान चुके थे कि मैं देश हित के लिए कार्य कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जितने भी भारतीय थे बोस जी के सपोर्ट में थे, तो वो चाहते थे कि किसी ना किसी बोस जी को या तो दबा के रखा जाए। तो दबने वाले तो बोस जी बिल्कुल थे नहीं, तो उन्हें ये भी लगता था कि ये भी हो सकता है कि अंग्रेज उनकी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें परेशान करने के लिए न जाने कितनी बार उन्हें जेल में अरेस्ट किया गया। लेकिन हाँ, कहा जाता है 11वीं बार जब अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट किया, तो उन्होंने हफ्तों तक खाना पीना त्याग दिया था, जिससे अंग्रेजों ने परेशान होके कई बार जबरदस्ती खिलाने पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर भी अडिक थे, ना उन्होंने पानी लिया, ना उन्होंने कुछ खाना ग्रहण किया। इसके बाद तबीयत थोड़ी डाउन होने के चलते उन्हें रिहाई मिल जाती है, लेकिन कहा जाता है कि सैनिकों के द्वारा घर से अंदर से लेके बाहर तक उन पर नज़र रखी जाती है कि बोस जी कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं या किससे मिलते हैं घर में, और उनकी क्या क्या हरकतें हो रही हैं दिन भर में। इस बातों को जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो नेताजी ने डिसीजन लिया कि 15 दिन तक अब वो एकांतवास में रहेंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे और दिन भर में सिर्फ एक बार ही भोजन भी करेंगे और उसके बाद वो सन्यासी बन जाएंगे, सन्यास ले लेंगे। कहा जाता है 1941 में 1941 में वो अपने भाई के साथ मिलकर, बाकी परिवार में किसी को इस बात का पता नहीं रहता, और इसी जो उन्होंने ये बोला कि अब मैं एकांतवास में रहूँगा, उसी का फ़ायदा उठा के 1941 में वो अपने भाई की मदद से रातों रात देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते रूस यानी कि रशिया चले जाते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है जोसेफ स्टालिन से और वे उन्हें जर्मनी पहुँचाने में मदद करते हैं, जहाँ पे बोस जी हिटलर से मिलते हैं और वो भी उनकी मदद करने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे बोस जी ने अपने अथक प्रयासों से देश से दूर रहकर विदेशों में जाकर एक नई सेना का निर्माण किया। भारत की आजादी के लिए अब विश्व युद्ध में जो भी भारतीय सैनिक जर्मन सैनिक से हार गए थे और उन्हें जेल में रखा गया था, तो बोस जी ने पहले उनको रिहा करवाया, उन्हें छुड़वाया और उन सभी को खुद की फौज में शामिल किया। ऐसे ही देश भर में जितने भी भारतीय युद्ध के कैदी थे, उन्हें उन्होंने रिहा करवा के अपनी फौज में शामिल कर लिया। बोस की परिवार में किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि बोस जी आखिर हैं कहाँ। गांधी जी से लेकर नेहरू जी और अंग्रेज सभी सोच में थे कि आखिर बोस गए कहाँ। उन्होंने गुप्त रूप से एक फौज का निर्माण किया, जो आप भी जानते हैं, जिसे हम लोग आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, जिसमें सेनाओं की संख्या लगभग 60,000 तक थी, जो अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए सक्षम थी। कहा जाता है इसके बाद लोगों के सामने वे रेडियो की आवाज़ के ज़रिए, जब उनकी फ़ौज रेडी हो गई, तैयार हो गई, तो उन्होंने लोगों के सामने आने का निर्णय लिया। रेडियो स्टेशन जाके, रेडियो स्टेशन पहुंचने के बाद बर्लिन में बोस ने उसी के ज़रिए
ये घोषणा की कि मैं सुभाष चंद्र बोस जीवित हूँ, जिसे सुनकर हर भारतीय के चेहरे पे एक चमक और एक मुस्कान आ गई और एक आशा की किरण भी। इसके बाद बोस जापान से मदद मांगते हैं, जिन्होंने बोस की काफ़ी बात भी मानी, मान भी दिया, सम्मान भी दिया, यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पूरा साथ देने का वादा किया। बोस ने अपने मन में सब कुछ सोच लिया था कि हमारा नया भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा लॉ होना चाहिए, कैसा देश का विकास होना चाहिए, सारी मैपिंग उन्होंने कर ली थी। कहा जाता है 1944 में, यानी कि 1944 में बोस जी की सेना जापानियों ने मिलके इन लोगों को, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन वही है, जो समय को मंजूर होता है वही होता है। समय को ऐसा कुछ मंजूर नहीं था, क्योंकि दूसरे मोर्चे पर विश्व युद्ध में कर रहे जापानी सैनिकों की हार हो जाती है, जिसके वजह से बोस जी को काफ़ी कुछ कठिन समय देखना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी एक बार फिर वह रंगून 12 सितंबर 1944 को, कहा जाता है 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी अत्यंत मार्मिक भाषण देते हैं और कहते हैं कि अब भी हमारी आज़ादी निश्चित है, लेकिन आज़ादी बलिदान मांगती है। जहाँ एक तरफ आपको अगर पता हो कि गांधी जी से भी इनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे, क्योंकि जहाँ गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चल के आज़ादी हासिल करना चाहते थे, वहीं सुभाष चंद्र जी बोस हिंसा का मार्ग अपनाते थे। उन्हें जीत आज भारत को आज़ाद कराने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगे वो सब करने को तैयार थे। कहा जाता है आज़ादी के लिए जब उन्होंने भाषण दिया, तो वहाँ पे रंगून से जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि अभी भी हमारी, उन्होंने हार नहीं मानी, अभी भी हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। और वहाँ ये स्लोगन वो बोलते हैं जो आज भी मशहूर है, हर कोई ये जानता है। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास के पन्नों में भी आप देखेंगे तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और हर कोई जानता है। बच्चों को अगर पता हो तो बच्चे भी जानते हैं कि हाँ ये स्लोगन था उनका कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, इस तरह से। 16 अगस्त 1945 को कहा जाता है कि टोक्यो के लिए निकलने पर ताईहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके लिए तो काफ़ी शंका भरी बातें भी हैं कि किन लोगों को कहना है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वहीं पे उनका शरीर जो है मृत पाया जाता है, और कहीं कहीं इसका जस्टिफिकेशन नहीं भी किया गया है। जो चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं किताबों में, वही लेके आप लोग के सामने आई हूँ कि 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए जब वो निकलते हैं ताईहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और स्वतंत्र भारत की अमरता का ये जो जयघोष करने वाले भारत माँ के सुपुत्र दुलारे, जिन्हें कहा जाता है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र से ही अपने परिवार से बढ़ के उन्होंने राष्ट्र को माना है, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम था, वो अमर हो जाते हैं। इस तरह से ये छोटी सी कहानी है। आशा करती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ज़रूर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हाँ उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा पद पाने के बाद भी, सिविल सर्विसेज में करने के बाद भी, उनका मन और दिल सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित था और देश के ही लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। यहाँ पे एक बार और बोलूँ, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया था, उनका अपना खुद का एक सिद्धांत था जिस पे उन्होंने हमेशा वो चले और उन्होंने जीत हासिल की और एक अकेले देश से दूर रह के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की संरचना की। आशा करती हूँ ये वीडियो बच्चों को काफ़ी पसंद आया होगा और इसको देखने के बाद ज़रूर दो लाइन बच्चे बता पाएंगे कि हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे और उन्होंने क्या संघर्ष किया। और कम ही शब्दों में बताने की कोशिश की है, कम शब्दों में ज़्यादा बताने की कोशिश की है एक्चुअली, और आशा करती हूँ कि पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।